रविवार को जो मैच खेला गया था इंग्लैंड के खिलाफ, और उसमें जिस गेंद पे कुलदीप यादव ने जोस बटलर को बोल्ड आउट किया था, वो गेंद ऑफ स्टंप से बहुत काफ़ी बाहर डाली गई थी और 7.5 के डिग्री का कोण बनाते हुए जोस बटलर का स्टंप ले उड़ी थी। और केवल जोस बटलर ही बीट नहीं हुए थे, केएल राहुल समेत कई फील्डर उस गेंद को समझ नहीं पाए थे। लेकिन इस गेंद को फेंकने के लिए कुलदीप यादव ने ऐसे ही तुक्का नहीं लगाया था। मैच के बाद उन्होंने बताया कि इस गेंद को करने के लिए उन्होंने खासा मेहनत किया था, और उन्होंने कहा कि ये जो लय है ये बाकी आगे धर्मशाला के लिए भी बरकरार रखेंगे। दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव ने श्रेयस अय्यर का खतरे घंटी बजा दी, क्योंकि श्रेयस अय्यर इस पूरे वर्ल्ड कप में अपने बल्लेबाजी में नाकाम रहे हैं, और साथ ही अगर हार्दिक पांड्या वापसी करते हैं चोट से उभर के, तो सबसे पहले जो खतरे घंटी होगी वो श्रेयस अय्यर पे बजेगी। क्योंकि अभी फ़िलहाल में जो संडे को मैच हुआ था उसमें सूर्य कुमार यादव ने महत्वपूर्ण 47 गेंदों 49 रनों की पारी खेली, और उनके अंदर परिपक्वता साफ दिख रहा है। क्योंकि जो वो स्क्वायर लेग के पीछे पिकअप शॉट खेलते हैं, उन्होंने सबसे लास्ट में खेला जब उसकी ज़रूरत थी, और उन्होंने परिस्थितियों को मापा और उसके हिसाब से अपनी पारी खेली। तो वर्ल्ड कप में अगर हार्दिक पांड्या फिट होते हैं तो फिर सबसे पहले जो बाहर होने का खतरा है वो श्रेयस अय्यर पे होगा।